नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे कि हम हाई स्कूल की साइंस से रिलेटेड यानी फिजिक्स का आज हम 15वां पाठ लेकर आए हैं। इस पाठ का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आए हैं और इसी तरह हम इसके पिछले पाठ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं, चैनल पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। इसके पिछले पाठ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। इसी तरह बायोलॉजी और केमिस्ट्री टोटल और अदर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डालते रहते हैं इस चैनल पर। हाई स्कूल और इंटर से रिलेटेड एंड 6 से लेकर 12 तक हम वीडियो देते रहते हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। हम टोटली इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट डालेंगे। अगर आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो साइंस में आपका पक्का मार्क हो जाएगा। तो इसमें से आज हम इस पार्ट 15 बहुत बड़ा है, इसलिए इसका एक अगर वीडियो बड़ा नहीं होता है तो इसका हम दो पार्ट में बांट देंगे, और वीडियो अगर छोटा होता है तो हम एक ही वीडियो में बना देंगे। तो चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो भी भाई लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। तो ये पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, और बड़े बड़े जो क्वेश्चन उसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप उसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF हमने खुद रेडी किया है तो आपको जाके नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरह पिछले पार्ट की भी जो हमने वीडियो डाली है उसमें भी PDF आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मिल जाएगी, ये पेज आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जब वस्तु मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। तो आप समझ चुके होंगे कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है जब वस्तु, तो प्रतिबिंब दर्पण पे और वक्रता केंद्र के तथा अनंत के बीच बनता है, और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, उससे बड़ा बनता है। इसमें आप अगर ध्यान देना चाहेंगे तो सभी उल्टे बनते हैं एक, और सभी वास्तविक बनते हैं, परंतु एक सीधा बनता है और आभासी होता है अवतल दर्पण में। तो इसको आप याद कर सकते हैं, और इसको हम डिटेल चाहें तो समझा देंगे, लेकिन पूरा डिटेल एक वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, उसमें दर्पण की टोटल हम बना सकते हैं, लेकिन उसको हम अभी जब आप कमेंट करेंगे बना देंगे, आपको दर्पण समझ में आ जाएगा। इसका किरण आरेख आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ये वस्तु है आपका रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब आपका इतना बड़ा बन रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका किरण आरेख। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस दूरी के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। अब अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखिए, अभी तक उसमें वहाँ वस्तु रखी थी कि ध्रुव और फोकस की दूरी के मध्य में रखी हुई है, तो इसका जब यहाँ पर वस्तु रखी जाती है तो फोकस और ध्रुव के मध्य रखी होती है, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, आवर्धित और दर्पण के पीछे बनता है। इसका किरण आरेख कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, देख लीजिए दर्पण के पीछे सीधा, तो ये चीज़ है आभासी। हम जो भी क्वेश्चन में हाईलाइट किए हुए पीले रंग का ये आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, और बाकी आंसर है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, और छोटे क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। दो क्वेश्चन इसी तरह, तीसरा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण और उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। इतने क्वेश्चन अगर आप याद कर ले तो इस पार्ट का इतने क्वेश्चन मिलाएंगे, क्योंकि इसमें दो पार्ट बनाएंगे, एक न्यूमेरिकल भी रहेगा, अंकित प्रश्न इसी में से आता है आपका परीक्षा में, तो इसमें से अंकित प्रश्न का हम न्यूमेरिकल भी बना देंगे, है उसका भी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, उसकी वीडियो हम बना देंगे, सब कुछ बना हुआ है। ये अगर बड़ा नहीं होता है इसका हम दो पार्ट बनाएंगे इस पार्ट का, चलिए देखते हैं कितना बड़ा होता है। तो किरण आरेख द्वारा समझाना है, तो यह आपका वो वस्तु उत्तल दर्पण उसके फोकस के बीच रखी जाती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु छोटा और दर्पण के पीछे फोकस के बीच बनता है, तो ये बीच में बनता है इसका, और किरण आरेख आपका इस तरह से कुछ है। अगर इसमें आप देखना चाहेंगे प्रतिबिंब आपकी, ये यहाँ पर वस्तु रखी है और इसका उत्तर दर्पण से आपका परावर्तन के पश्चात यहाँ पर आपका वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण की वक्र फोकस दूरी वक्रता केंद्र की
त्रिज्या के बीच का संबंध सूत्र की ये बहुत आता है, इसको आप जरूर याद करिए। तो जब दर्पण का द्वारा वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है और दर्पण फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तब आपका सूत्र ये होता है, अर्थात यह बराबर वन यानी हाफ आर होता है, कहने का मतलब वन अपान टू आर, और यह आप इसको कह सकते हैं यह बराबर आर अपान टू। तो ये होता है सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवतल दर्पण के लिए यू वी और एफ, सॉरी ये लिख उठा हुआ है इसको, ये एफ मैंने लिख रहा था वो गलत हो गया, एफ में संबंध लिखिए। तो इसमें संबंध लिखना है, संबंध के लिए आपका सूत्र थोड़ा कुछ इस तरह है कि यू वी और एफ का संबंध का सूत्र होता है वन अपान एफ बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है वन अपान एफ बराबर वन अपान यू प्लस वन अपान वी, जहाँ यू आपका वस्तु की दूरी होती है, हमेशा ध्यान रखना यू आपकी वस्तु की दूरी, और वी आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और यह आपका फोकस दूरी, एफ फोकस दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी। और वैसे भी आप भूलना चाहें तो हम बताते हैं वी 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 प्रतिबिंब में वी आ रहा है तो वी वी प्रतिबिंब की दूरी, और फा फोकस की दूरी, और यू बचा दर्पण की दूरी। तो ये आप समझ सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी। तो ये था इसके बाद आवर्धन क्षमता की परिभाषा, आवर्धन की, तो आवर्धन की परिभाषा ये इतना बड़ा है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु या बिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। यदि वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई हो तो रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई एच। तो ये था सूत्र, इसका आपका होता है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बटे, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, ये आपका m बराबर होता है, यानी रेखीय आवर्धन पर। सिद्ध करना है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा ये आपका लघु उत्तरी में बड़े में आएगा, तो आपका ये बड़ा क्वेश्चन होगा, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं ये इतना बड़ा है, आपको इसको पेज डाउनलोड करके देख लीजिएगा, यहाँ से आपका यहाँ तक, एक बार आपका अवतल दर्पण पर, एक बार आपका उत्तल दर्पण, ये आपका दूसरा उत्तल दर्पण के लिए, दोनों दर्पण हमने बता दिया, सिद्ध किया है उस सूत्र को, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा, आपकी बुक नहीं है तब भी यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये आपका आठवां क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा ये आपका इम्पोर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और इसमें तीन प्रकार क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, इसका आंसर बड़ा है। तो अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, इसमें दोनों होते हैं, इसमें भी दोनों होते हैं, तो दोनों के लिए हम बना देंगे, मतलब मिल जाएगा आपको, ये उत्तल दर्पण के लिए, ऊपर भी अवतल दर्पण के लिए, तो दोनों दर्पण के लिए आपको यह इसमें है, यह आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है, इसमें बताने से क्या मतलब है, बहुत टाइम लग जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ से न्यूमेरिकल थोड़ा सा है, न्यूमेरिकल आप इसको पढ़ लीजिएगा और सवाल को हल कर लीजिएगा, यानी फोकस दूरी 10, देखिए फोकस दूरी 10, दर्पण से 20 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब से दर्पण दूरी यानी भी ज्ञात करना है, तो इस तरह से आप सवाल को लगा लीजिएगा, यहाँ पर आपको देखिए भी निकाला गया है। इस सवाल को अगर हल ना कर पाएँ तो कमेंट कीजिएगा, सवाल को हल करना बता देंगे, फिर भी ऊपर ऊपर बता देते हैं, सूत्र होता है आपका ये, तो सभी वहाँ से हम सवाल से सभी चीज़ों को रख देंगे, तो भी आपको निकालना है, इसको छोड़ देंगे तो इधर, तो ये आपका अगर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या ये आपका इधर आएगा, तो इसी तरह से चिन्ह आपका परिवर्तन हो जाएगा। तो आप जानते हैं 20 और 10 का LCM ले लेंगे, और उसके बाद आपका 20 से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 लिखेगा, और 10 को डिवीजन करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी 1-2 हो जाएगा अपान 20 हो जाएगा, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि -1/20 हो जाएगा। तो ये आप हल कर सकते हैं, इसी बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, अगर ना हल पाएँ तो कमेंट करिएगा। तो इसी तरह अगला न्यूमेरिकल है आपका, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर ऊपर तथा त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आप इसको सवाल को हल कर लीजिएगा, इसमें अगर ना हल कर पाएँ तो कुछ हम न्यूमेरिकल आपको होमवर्क की तरह दे देंगे, उसको आप हल कर लीजिएगा, कमेंट भी कर दिए उसका आंसर हम दिए हैं, लेकिन ना हल कर पाएँ तो बताना। ये आपका हल किया हुआ है 11 नंबर, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ये अगर इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है वैसे पक्का रहता है, हर बार आता है, तो आप ज़रूर हल कर लीजिएगा। इसके बाद ये 12 नंबर है, जैसे कि आप देख रहे होंगे 12 नंबर,
इसमें भी वही सूत्र वही फार्मूला लगना, एक फार्मूला है आपका, केवल केवल एक फार्मूला है, उसी फार्मूले को रख करके आप हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 10 और 5 का एलसीएम निकाला गया, उसके बाद डिवीजन करके मल्टीप्लाई ऊपर किया गया और इस तरह से लिया गया। तो इसके बाद आपका कुछ हम अंकित प्रश्न यहाँ आपको अभ्यास के लिए दे देते हैं। ये अभ्यास के लिए अंकित क्वेश्चन आप एक एक करके उत्तर इसमें यहाँ पर आपका है, उत्तर आपका देखिए ये उत्तर है और एक क्वेश्चन है आपको सामने, सब में एक क्वेश्चन है उत्तर दिया गया है, सभी चीज़ें लिखी हुई है। तो इस तरह क्वेश्चन आंसर इसमें से आप कुछ प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ टेक्नो प्लस स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, इसी तरह हम हर सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आते रहेंगे और जो हो सकेगा हम अच्छी से अच्छी मैटर देते रहेंगे। पिछले मैटर कुछ हमारे थोड़ा कम सही रहते थे लेकिन अब मैटर आपको अच्छा मिलेगा, बस आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको संतोष कुमार पटेल का यहीं पर विराम देते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और हाँ, एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप हाई स्कूल में भी है, इंटर में है, तब भी आप उसको जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको बहुत सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी और मोबाइल और कंप्यूटर से संबंधी वीडियो भी डालते रहते हैं। जो भी एक स्टूडेंट जो भी हैं, एक स्टूडेंट को मोबाइल कंप्यूटर की क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे कैसे उसको हैंडल करना होता है, तरह तरह के सॉफ्टवेयर को एंट्री करना, सॉफ्टवेयर को तोड़ना, तरह तरह की चीज़ें हम उसको भी डालते रहते हैं, चैनल पर चेक कर सकते हैं, जाइए चेक करिए, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी, मोबाइल और कंप्यूटर से वीडियो भी मिलेगी और 6 से लेकर 12 तक NCERT सिलेबस आपको मिलेगा। प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा, इसकी लिंक हम PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लीजिए, इस पेज को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये पेज आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए इतना ही वीडियो में, अगली वीडियो फिर मिलेगी। आप नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।